घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। अब तक 56 दुकान और सराफा में जो लजीज व्यंजन आप खाते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको पता नहीं होती है, लेकिन जल्द ही इन सारी चीजों की न्यूट्रिशन वैल्यू आपके इनके मेन्यू में नजर आने वाली है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अपने यहाँ आने वाले स्ट्रीट फूड को पहचान देने के लिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का एक ऐप बनाया जा रहा है और उसकी मदद से अब आपको सारी जानकारी मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा अपने यहाँ मिलने वाले स्ट्रीट फूड को पहचान देने के लिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का एक ऐप बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आप जो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है यह आपको पता चल जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा 56 दुकान की प्रसिद्ध जगहों पर से 20 से ज़्यादा खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं और अब इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं उनमें हॉट डॉग, पैटिस, शिकंजी, रसमलाई, चिली पनीर, पाव भाजी, पानीपूरी, पोहा, भुट्टे की कचौरी और आइसक्रीम को शामिल किया गया है। इन खाद्य पदार्थों की न्यूट्रिशन वैल्यू अब इस ऐप में नजर आएगी। ऐप को तैयार किया जा रहा है और ये लगभग 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इंदौर के व्यंजनों के शौकीन पूरे देश में है और वो सारी चीज़ों का सराफा और 56 दुकान पर स्वाद का मजा लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि लोगों की सेहत अच्छी रहे और लोग सेहत के हिसाब से व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें। इसलिए अब यहां आने वालों को न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अब तक पैकेज्ड फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू रहती थी, लेकिन अब स्ट्रीट फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू भी इस ऐप के जरिए पता चल जाएगी और लोग अपनी पसंद की चीजों को खाने के साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।